भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों, दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, बहुत नायाब है, बहुत लाजवाब वजीफा है कि अगर आपका कोई बहन भाई नाराज है, या जिसको आप तलब करना चाहते हो, या आपसे रूठ गया है, या आप उसको मनाना चाहते हो, तो फिर ये वजीफा आप लाजमन करो। ये वजीफा मेरी वो बहनें और वो भाई भी कर सकते हैं जो जिनकी बीवी नाराज हो, या जो चाहते हैं कि हमारी बीवी हमसे बोले, हमसे बात करें, तो ये वाला वजीफा आप लाजमन करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जरूर आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तरीका इसका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपने या वदूद और या वहाब, या वहाब या वदूद, या वदूद या वहाब, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो दोनों को, दोनों में से एक तरह पढ़कर आपने सिर्फ और सिर्फ 1100 मरतबा इसकी तस्बीह निकालनी है। या वदूद या वहाब, या वहाब या वदूद, दोनों में से एक तरह आप पढ़ सकते हैं। आपने तस्बीह निकाल कर तो आपने जो है अपने ख्याल में लाकर उसकी तरफ दम कर देना है, और सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा या वदूदो और 11 मरतबा जो है या वहाब, अगर भाई हजरात है तो लिखकर अपनी बाजू पर बांध लें, तो जिसको भी आप तलब करना चाहते थे या जिसके मकसद के लिए आपने ये वजीफा किया था, फौरन वो हाजिर होगा और आपकी रहनुमाई करेगा इंशाल्लाह। आप ये वजीफा कीजिएगा, बहुत नया वजीफा है और बहुत बुलंद और भावकार वजीफा है। और एक बात याद रखिए, गुनाह के लिए ये वजीफा बिल्कुल भी नहीं आप करेंगे, और ना ही गुनाह का कोई इस किस्म का जो तरीका इख्तियार करेंगे जिससे अल्लाह पाक की नाराजगी हो। बहुत नया वजीफा है, इसकी जितनी भी आप कदर करोगे कम है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप ये वजीफा करो, तो अगर कोई शख्स आपके पास नहीं है, वो आपसे दूर है, तो फिर उसका तरीका कि उसका तसव्वुर आप कर लोगे। और अगर बीवी है, घर में है, तो उसका तरीका ये है कि आपने पढ़कर या तो उसके ऊपर फूंक मार दो, या फिर आप खुशबू तैयार कर लो, ठीक है। इन दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जरूर आपको अल्लाह का कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। और अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, तो हमारे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल जो है मदद की जाएगी। और इंशाल्लाह आप जिस किस्म की भी आप मदद चाहते हैं, ये जैसे भी आप वज़ाइफ चाहते हैं, आपके साथ जरूर पेश किए जाएंगे। ये जो है ऑनलाइन कुरान अकेडमी का आपसे वादा है। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खूब का नक्श दिया जाए, यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए, जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए, और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको जरूर देना पड़ेगा, वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता, ठीक है। उसका जो मुकलीन का जाहिर है, आपको पता है अमलियात का लिया हुआ नक्श है, और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे चिल्ला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था, और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें, और वो लोग बस रابطہ करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं, या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस जो सर्विस दी जा रही है, उससे काफी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं, और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके। और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े, हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे, ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू
या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात, नजरे बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो, बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि 1,000 से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉन्ड, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं, बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और दो या तीन मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, ये तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद।